क्या इस बार ये नियम रहेगा कि अगर विधायक काम नहीं करते हैं, हंगामेदार रहता है सत्र, तो इस बार उनकी सैलरी कटेगी, भत्ते कटेंगे? पिछली बार भी आया था लेकिन कुछ हो नहीं पाया था, इस बार रहेगा ऐसा? ये हमारे विधानसभा अध्यक्ष हैं, जी प्रजापति जी बहुत ही अनुभवी अध्यक्ष हैं और मैं समझता हूँ वो ऐसे सब कदम उठाएंगे जिससे विधानसभा ठीक से चले और जो विधायकों के सवालों का उत्तर मिले और जो काम सरकारी काम है वो भी पूरा हो और मध्यप्रदेश की जनता की जो आकांक्षाएं वो पूरी हो। एक साल क्योंकि आप लोगों को पूरा हो गया है, उस वक्त ये सत्र पड़ रहा है, बीजेपी ने बड़ी तैयारी की है आप लोगों को घेरने की। मैं समझता हूं कि उनकी तैयारी में कोई इसलिए दम नहीं है कि 15 साल तो आपने कुछ किया नहीं और 100-100 चूहे खाकर दिल्ली हज को चली है, तो तुम सब चूहे तो खा चुके हो पहले। अब जो है कमलनाथ जी की सरकार जोर शोर से काम कर रही है, जो वचन पत्र में कहा था एक एक बात पूरी की है। मध्य प्रदेश की फिजा बदल चुकी है, जनता का और इन्वेस्टर्स का जो विश्वास वो जागृत हो चुका है। अब तो केवल ट्रेन को हरी झंडी हो गई है, फास्ट ट्रेन को कोई तेज गति से चलेगी, ये बीच में जो आएंगे ये अलग होते जाएंगे विपक्ष के लोग और 5 साल में दशा और दिशा बदलेगी और हम अपने कमलनाथ जी के नेतृत्व में अपने लक्ष्य पर पहुंचेंगे। तो सदन में हंगामा करने वाले विधायकों का क्या होगा? निश्चित तौर पर मैंने कहा विधानसभा अध्यक्ष बहुत अनुभवी अध्यक्ष हैं, जो एक एक चीज जो आड़े आएगी उस सबसे वो निपट लेंगे। क्या सर सभी देश की सरकार अल्पमत मानसिकता से ग्रसित है, हीन भावना के कारण अपनी अल्पमत सरकार को बचाने के लिए ये जनता पर भी दबाव बना रहे हैं और विधायकों पर भी दबाव बना रहे हैं। मुझे लगता है सरकार भूल रही है कि यदि आपके 114 लोग जीत के आए हैं तो भाजपा के भी 109 लोग जीत के आए हैं। किसी तरह की कोई गलत फहमी रखकर सरकार ना चलाए, विधानसभा के पटल पर विधानसभा के सदन में जनता ने जो अधिकार दिया है उसके माध्यम से विधायक अपनी बात रखेंगे। हम मुस्तैदी के साथ जनता की समस्या को इस पटल पर रखेंगे। कांग्रेस की सरकार अपनी नाकामी छुपाने के लिए अपनी अल्पमत मानसिकता के कारण और हीन भावना के कारण इस तरह के नियम कायदे ओढ़ाने की कोशिश कर रही है। सदन नियम और कायदे से चलेगा। इसी तरह उन्होंने दबाव की राजनीति बनाई और प्रहलाद लोधी जो चुने हुए विधायक थे उनको सदस्यता से हटाने का काम किया था। सुप्रीम कोर्ट के तमाचे के बाद सरकार को अपना कदम पीछे हटाना पड़ा, इस नियम को भी सरकार को वापस लेना पड़ेगा। चाहिए अभी तक तो जैसे कुछ हटा नहीं है तो क्या लगता है? तो पहले से उन्होंने जो किया था अपने माननीय पूर्व अध्यक्ष सीता सर जी ने कि अगर विधायक उपस्थित नहीं रहते तो उनका वेतन कार्ड काट दिया जाएगा, उस दिन का भत्ता, और अगर कोई हल्ला गुल्ला करते हैं तो उसके लिए हमारे वचन पत्र में है, लेकिन हम उसको विचार कर अध्ययन कर रहे हैं, अगर हम देखेंगे राय लेंगे, क्योंकि हमारा सोच ये हम प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए छत्तीसगढ़ में तो लागू हो गया, छत्तीसगढ़ में हो गया, जरूरी नहीं कि हर चीज है छत्तीसगढ़ करे तो गोविंद सिंह। सर एक चीज और, दिल्ली में संसद में कैंटीन में कटौती कर दी, जो भी भोजन करेंगे अपने पैसे से करेंगे, मध्य प्रदेश में भी करेंगे? मध्य प्रदेश में तो पहले से कटौती है, मध्य प्रदेश में तो छूट लागू नहीं है, आपके लिए हमारे लिए आम जनता के लिए समान दर है, उसके लिए कोई कटौती नहीं है, पूर्व से ही जितने रेट है उसका संबंधित खान पान एजेंसी का वही रेट बाजार में है वही। तो हंगामा करने भी कब तक हो जाएगा ये सही? अभी मैं इस पर चर्चा करूंगा, मेरा मत का सोच और विचार है और मान्यता है कि विधायकों पर निर्वाचित प्रतिनिधियों पर जनता के लोगों पर प्रतिबंध लगाना उचित नहीं है। मैं व्यक्तिगत अपनी बात कह रहा हूँ, हमारी वचन पत्र में माननीय कमलनाथ जी के नेतृत्व में इस विषय पर बातचीत होगी, वचन पत्र पर चर्चा होगी, अगर उनका निर्देश मिलेगा तो लागू करेंगे, लेकिन निजी तौर पर मैं प्रजातांत्रिक तरीके से चुने गए और जनता पर भी जो संविधान में मौलिक अधिकार है उनका हनन करने के हम पक्ष